नमस्कार दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं बच्चे के त्वचा को कैसे साफ किया जाए। इसके 5 उपाय हम आपको देने वाले हैं। यह हम आपको स्पष्ट कर दें कि बच्चे को गोरा नहीं करने के उपाय, बल्कि बच्चे की त्वचा को स्वस्थ बनाने के उपाय, ताकि बच्चा आपको अधिक गोरा नजर आए। ऐसा नहीं होगा कि बच्चा काला रहा, आपने इन उपायों का प्रयोग किया और बच्चा सफेद दूध जैसा हो जाएगा। मात्र उसकी त्वचा को स्वस्थ कर उसकी त्वचा में कांति लाने के यह उपाय हैं, आपका बच्चा सुंदर और गोरा नजर आएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला है, केमिकल पदार्थों का प्रयोग नहीं करें। बच्चे की त्वचा बहुत ज्यादा नाजुक होती है, इसलिए किसी भी प्रकार के विज्ञापन के प्रभाव में आए बिना मार्केट से लाए गए केमिकल वाले उत्पादों का प्रयोग बच्चे की त्वचा पर बिल्कुल नहीं करें। इसके हानिकारक प्रभाव बच्चे पर नजर आ सकते हैं, तो स्किन बेजान और रूखी सूखी हो सकती है। आप बच्चे की त्वचा को साफ करने के लिए उत्पादों का प्रयोग कर रहे हैं और उनका असर उल्टा हो रहा है, तो ऐसा नहीं करें। सेकेंड है, सनबाथ। सनबाथ किसी भी न्यूबॉर्न बेबी के लिए काफी आवश्यक होती है। सूरज की रोशनी से प्राप्त विटामिन डी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो बच्चे की प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने में काफी मदद भी करता है। साथ ही साथ कई प्रकार के बैक्टीरिया और उनसे होने वाले संक्रमण से भी बच्चे को दूर रखता है। सूर्य का प्रकाश बच्चे के लिए फायदेमंद तो होता है, उसकी मजबूती में और स्वस्थ त्वचा के लिए लाभदायक भी है, लेकिन शुरू के 6 माह बच्चे को सीधे सूरज की रोशनी में नहीं लाना चाहिए। बच्चे को सूर्योदय के समय ही सूरज के संपर्क में लाना चाहिए, वरना त्वचा को नुकसान होने का डर रहता है। आप इस बात का ध्यान रखें। मॉइस्चराइजर, इलास्टिन और कॉलेजन त्वचा में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं। इलास्टिन त्वचा पर मॉइस्चराइजर के रूप में कार्य करता है। इलास्टिन का प्रयोग तो मॉइस्चराइजर वाली क्रीम में भी किया जाता है। यह त्वचा को वाइटनिंग प्रदान करने का काम करती है। तो प्रतिदिन अच्छी क्वालिटी की मॉइस्चराइजर क्रीम से बच्चे की त्वचा पर मालिश करें तो बच्चे के रंग में फर्क स्पष्ट देखा जा सकता है। सौम्य बॉडी पैक, घर में कई प्रकार के उपकरण तैयार किए जाते हैं जो बच्चे की त्वचा को मजबूती प्रदान करने का कार्य करते हैं और बच्चे की त्वचा को साफ करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार के उपकरण का प्रयोग आप करें। हम आपको आगे चलकर बच्चे की त्वचा के लिए कौन कौन से उपकरण बनाए जा सकते हैं इस विषय में भी वीडियो देंगे, ताकि आपको मदद हो जाए। आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। हल्दी, चंदन, केसर, दूध आदि के कई प्रकार के उपकरण बनाए जाते हैं जो बच्चे की त्वचा के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। अगला है, फलों का रस। फलों का रस काफी गुणकारी होता है। इसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी कैंसर गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा के लिए काफी बेहतरीन विकल्प होते हैं। यह त्वचा को सूरज की पराबैंगनी किरणों से, उसके दुष्प्रभाव से बचाने का कार्य करते हैं। त्वचा से खराब कोशिकाओं को हटाकर उसे चमकदार बनाने में इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। आप छोटे बच्चे की त्वचा पर अंगूर, शहतूत, संतरे जैसे फलों के रसों का लेप करें, यह काफी फायदेमंद है। आप इन छोटे छोटे उपायों को अपने बच्चे की त्वचा पर इस्तेमाल करें, आप देखेंगे बच्चे की त्वचा काफी सुंदर चमकदार हो गई है, आपको अपना बच्चा थोड़ा गोरा नजर आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। आप बेल आइकन पर भी क्लिक जरूर करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।